ये आवाज ये निकाल ले सो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। हम लिया पति के वेलकम बैक टू माय चैनल अली जज़ूरी व्लॉग्स। तो खैर अभी हम जा रहे हैं, कोई बज रहा है, 3 बजने वाले हैं आई गेस। और फाइनली आज हमने करनी है ग्रॉसरी, क्योंकि मार्च का ऑलमोस्ट फर्स्ट सेकेंड वीक स्टार्ट हो चुका है, तो अब तो ग्रॉसरी बनती ही है। तो अभी चल के देखते हैं, हमारी तो एक ही डेस्टिनेशन है, वो है छेजब, वहीं से ग्रॉसरी होती है। महीने की नहीं, मतलब 10 दिन या हफ्ते की ऐसे करते हैं हम लोग, पहले करते थे। अच्छा तो खैर अभी चलते हैं और फिर आगे जाके मिलते हैं। हाँ आईजू बाबा, ये तो पीछे बैठते हैं अपने भाई के साथ, अब इनको पीछे बैठने में मजा आता है। सो वो रहा चेस, हम चेस जा रहे हैं। तो ग्रोसरी करने चेस जाएंगे ना, फिर उसके बाद जाएंगे हम नानी के यहाँ। नानी के हम थोड़ी देर के लिए, अम्मी या थोड़ी देर के लिए जाएंगे फिर, क्योंकि मेरे कपड़े भी हैं वहाँ पे, टेलर को दिए हुए थे सीने के लिए रमजान के। बेटा कल स्कूल है और आपका टेस्ट भी है। बोनांजा सतरंगी एंड दिस इज शे। इन सब की खुशी चेक करो, आए इतना खुश हो रहे बाबा, इतना खुशी हो रही है, ये खुश हो रहे हैं। आए ये स्टोर कितना प्यारा लग रहा है, कॉट सॉरी क्यूट। इनको देखें, इनका अपना ही चलता है, इनका अपना ही। हाँ मुझे फीडर भी लेनी थी। तो खैर मैं आ गई हूँ, अब मुझे फीडर भी लेनी है, तो मैं फीडर देख लूँ जरा यार फीडर्स के प्राइस देखे कितने बढ़ गए। साथ शील ने तो ऐसी लूट मार मचाई है ना, ये 200-200 रुपए की फीडर गाय करती थी, और अब ये देखे मेरा 400 रुपए के, और ये वाली देखे 900 रुपए की शीशे की, ये मैं 400 रुपए की ले चुकी हूँ आठ छः आठ में। सो ये हरा धनिया भी हो गया है, हरी मिर्चे, हरा धनिया, पुदीना, शिमला मिर्च, टमाटर और बंद गोभी, ये सब स्टोर करना है। तो भाई ये आसान चल रहे हैं, 650 1066 1066, और मुर्गी है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, पर मजबूरी क्या करें, रमजान शुरू होने वाले हैं और फ्रोजन आइटम बना के रखें। गोश्त के प्राइस यहाँ पे ये आ रहे हैं, ये देख लें। आजो बाबा, एक ये ले लेते हैं और एक ये वाला ले लेते हैं। ये वाला जो है ना, ये है 115 का ये वाला पैकेट, और ये वाला है 155 का। नायल ये वाला ले रही हूँ ना, दिस वन न्यू है ये, और दिस वन सही है, दो ले लो ये। ट्रॉली में रख दो। हाँ ट्रॉली में रख। नो आयल नो। चलो क्यों, क्या कितना शोर करते हो। ये डेजर्ट वाले स्पून ब्लैक में मिल गए, और ये फोर्क। अब मैं देख रही हूँ डिस्पोजेबल कटलरी, तो यहाँ पे है, तो ये रही। एक ये वाली भी है छोटी। अब शुरू हो गई है मेरी औलादों की बदतमीजियों वाली हरकतें करता है ये, हरकतें करता है ये, क्या हर चीज़ में आग लगी हुई है, हर चीज़ इतनी शदीद महंगी हो गई है ना, हर चीज़। अभी 4 दिन बाद आओ, फिर 4 दिन बाद कुछ और रेट होंगे। तो खैर एनीवेज सभी हम बस अब लेंगे और चलेंगे। चले शैम्पू तो ले लूँ, क्या कंडीशनर तो है मुँह के सो कैसे आ रहे बाबा।
चले भाई, हमारी ग्रोसरी हो चुकी है और लिटरली जो पहले बिल आया करता था वो 7-8 हज़ार रुपये का, अब 15-17 हज़ार रुपये तक पहुंच चुका है। चलो भाई, सो अभी ले लेते हैं हम आहिल को गोद में और चलते हैं भाई। अब हम जाएंगे, कुछ खाएंगे, बहुत भूख लग रही है, उसके बाद फिर मुझे अम्मी के जाना है। मेरा काजल फैल गया तो आज की हमारी ग्रॉसरी डन हो गई। इवन हमने कुछ बहुत लग्जरी कुछ भी नहीं लिया, सब बेसिक चीज़ें। बड़ी महंगाई भाई, बड़ी महंगाई है ना मामू। हालत बुरी हो गई भाई, इतनी गर्मी हो रही है और एक तो हर जगह लाइनें डल रही हैं रोडों पे, कहीं कुछ बन रहा है कहीं कुछ बन रहा है भाई, अजीब ही है। हमारे एरिया को तो वैसी तरह हाल बेहाल हुआ है, बिगड़ा हुआ है। आहिल साहब सो गए हैं मेरी गोद में और मैं खा रही हूँ बिरयानी। टाइम ऐसा हो गया ना कि ठंडी लग रही है मुझे। बिस्मिल्लाह। अरे क्या गरम गरम है मुझे। क्या नाइल कहानी है आपको? वन बाइट ले लो, यमी है स्पाइसी, ये लो। आ गया हूँ, गिराना नहीं मिलता। कैसी है? स्पाइसी है ना? आप लोगों को कैसी पसंद है बताइएगा, मुझे तो स्पाइसी बिरयानी पसंद है। स्पाइसी और फुल ऑन रायता हो उसमें। खैर अभी हम खाना खाते हैं, फिर करते हैं व्लॉग को कंटिन्यू। नाक से पानी आने लगा। नाइल आप दिखाओ अपना क्या है, थोड़ी शेयर तो कराओ। नहीं नहीं आप खाओ, हल्का हल्का। और हमारे मियाँ साहब का, मियाँ साहब का ब्रोस्ट आया। देखो मैं कितनी शरीफ हूँ, बिरयानी खा रही हूँ। तो खैर आ गए। ओ हो बड़ा लाइटें चल रही हैं आज तो। सो खैर अभी हम आ गए अम्मी के घर पर जा रहे हैं। और क्या कह रही थी मैं, हाँ मैं सोची थी आप लोग को दिखाऊं कि मैं जहाँ से हमारी पुरानी बेकरी जो अम्मी की तरफ होती है, जहाँ से मेरे बर्थडे के केक्स बना करते थे। तो खैर इतने से बस के प्लेट ले आओ मिनाल, और चीज इतनी महंगी। और ये देखो ये लेकर आया था नानी लोगों के लिए, खुद ठूस रहा है बैठ के। क्या कर रहे हो, टाटा कर रहे हो? अरे सही है सही है, बहुत सही है। देखिए मेरा भाई कितना गोरा भाई है मेरा। ये इसके पैर भी देखे, मैं इसको कहती हूँ ये किस पर चलाइए। चलो फिर आना, सही है। इसको देखो ये देखो, लो ये तो इतनी छोटी थी आयल, ये तो छोटी है बिल्कुल। ये तो नाइल ना तो इसको निचोड़ देगा बेचारी को, इसीलिए मैं से आहिल को उतार नहीं रहा नीचे। अरे ला इतनी छोटी सी है ये तो, ये देखो कैसे पैरों पे आ रही है। हेलो इतनी प्यारी है यार। चल मजदूर चेक करें, मजदूर बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है ये माशाल्लाह। ये ना हमारा शॉपर,
और हम आ चुके हैं घर। ओहो क्या बात है, आज शॉपर पकड़े, आप भी मजदूर बन गए हैं। और हम घर आ चुके हैं और मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम शुरू हो गई है क्योंकि मुझे अस्थमा है। और अभी अचानक पता नहीं क्या हुआ कि मुझे मेरा सांस फूलना शुरू हो गया, सर में ही बहुत दर्द है। अभी चाय भी नहीं है घर जाके और नींद भी आने लग गई है, खाना भी नहीं पका है क्योंकि पकाना है। अल्लाह आप बना लो आज खाना प्लीज। और इनको देखे माशाल्लाह, इनको माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बड़ा हो गया लड़का सर सब समझता है, ये सब इसको सब समझ आती है, गर्ल समझते हैं इसको, सब गर्ल समझते हैं, जो भी देखता है कहता है गर्ल है ये। और इनको बहुत नज़र लगती है माशाल्लाह, क्योंकि ये जब भी चेस जाते हैं वहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव लड़कियाँ होती हैं ना वो भी पहचान गई हैं, हर बार मिलती हैं क्योंकि हमारा जाना बहुत होता है और वो इनको गोद में उठा लेती हैं। तो भाई हमारे बच्चे की वैल्यू है, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है। अब भी बना लो, थक गए मैं, मुझे देने बना लो बस। कुछ छोटी छोटी चीज़ें ना मैं आप लोग को बता रही हूँ, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। कैसे कैसे वो भी सस्ती मिली कि बंद हो गए रमजान में, जो भी की बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि चाइनीज समोसे या चाइनीज तेल बनाना है तो उसको क्या करें आप लोग। मेरे वीडियो से आप लोग को भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए तो सस्ती क्या बात है। मैं देखी जा सकती हूँ ये बंद गोभी आई है, डेढ़ किलो है ये, ऑलमोस्ट 1.5 किलो से ज़्यादा है और ये 62 रुपीज़ में आई है, ऑलमोस्ट 62.51। और ये कम अज 5 आए हैं इसके अंदर गोभी के पीस। मैं ये पूरे श्रेड कर लूँगी, इसको मैं जिप लॉक में करके फ्रीज कर दूँगी, जब मुझे फिलिंग करनी होगी कर लूँगी। तो एक ये सस्ती चल रही है गोभी, और प्याज का तो मत पूछो, प्याज का तो वही रेट चल रहा है 180-200। मजबूरी है इंसान की, खा प्याज बगैर ना, मुझे भी वीडियो बनानी है, कल बना के दूंगी। तो सब्जियाँ जो है ना, जो आप लोग खरीद सकते हैं अभी खरीद रहे हैं, शिमला में पिछले महीने 30 रुपये किलो भी मिली है और 50 रुपये किलो भी मिली है, अभी 90 रुपये किलो चल रही है, बेहतर है फिर भी, वरना ये 300-400 रुपये किलो मिल रही थी आज से 2-3 महीने पहले। तो ये भी मैंने ले लिए, तो ये भी फिलिंग में जाती है या चाइनीज में जाती है। और हरे धनिया ये देखिए, 2 गड्डी आई है हरे धनिया की, हरा धनिया जो है ना 250 रुपये किलो मिल रहा है, तो ये सही है वरना ये भी 400-800 रुपये पहुँच जाते हैं। रमज़ान में तो बुरा हाल होने वाला है लोगों के, छोटी छोटी चीज़ें लेके आप लोग जितना स्टोर कर सकते हैं ना अभी तो वो कर लें, पैसे बचा लें। ये पुदीना तो हमेशा से 10-12 का मिलता है, पहले 10 का मिलता था, 12 का मिलने लगा है। प्याज का वही हाल है, प्याज के बगैर खाना बना नहीं सकते भाई, क्या करें। 2-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो बन जाती हैं प्याज के बगैर, वरना नहीं बनती हैं। हरी मिर्चें देख लें अभी सस्ती है, 90 रुपये किलो मिल रही हैं हरी मिर्चें, 0.5 किलो 1 किलो लेके उसको पीस लें और स्टोर कर लें। ये अभी ना आग लगने वाली है हरी मिर्चों पर रमज़ान आने से पहले, मतलब 2-4 दिन पहले आप देखिएगा ये 300-400 रुपये पहुँच जाएंगी। तो ये अभी फ़िलहाल मैं समझती 0.5 किलो हो गई होंगी, पर ये 1.5 पाव ही बनी, मैंने कम ली वरना मुझे ज़्यादा लेनी थी। तो खैर चलें, मेरे घर के तो करीब है चेस बहुत, और हमेशा की तरह मैं कॉर्न लेकर आती हूँ, कॉर्न का तो यही चलता है यहाँ पे रोज, हमेशा से यही चलता है, कभी चाट होता है और कभी जो है कुछ होता है। तो ये आज 49 चल रहा था, 49 kg, तो ये मैं लेकर आई हूँ, ये 39 रुपीज़ से मिला है, 4 या 5 इसके अंदर पीस है। तो ये हो गई सब्जी, मैंने ज़्यादा नहीं खरीदी क्योंकि हाल बहुत बुरे हैं भाई। अब और चीज़ें दिखाने की मेरी हिम्मत नहीं क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई घर आने के बाद, मुझे क्योंकि अस्थमा है। अभी जोएब गए हैं मेरी मेडिसिन लेने क्योंकि मैं माइटेका खाती हूँ जो एंटी एलर्जिक होती है, उसके बगैर मेरी रात नहीं गुजरती, तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। दूसरा ये कि मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या कहते हैं
माँ बाप बूढ़े होने लगते हैं तो मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ अभी। होता है कि माँ बाप बूढ़े होने लगते हैं तो हमारा भी वक्त आएगा बूढ़ा होने का, तो देख के तकलीफ होती है जब माँ बाप बीमार हों या अकेले हों। तो मैं वैसे इमोशनल इतना मतलब कैमरे पे नहीं होती हूँ, पर अभी मैंने सोचा कि जितने भी लोग वीडियो देखते हैं मेरी, तो मेरी अम्मी को दुआ में याद रखिएगा, और जितने भी आपके माँ बाप हैं और आपके दोस्तों के अहबाब के, तो सबके माँ बाप के लिए दुआ किया करें, सेहत वाली ज़िंदगी दे सबको, और औलादों को इतना दे इतना दे कि वो अपने माँ बाप के लिए दिल खोल के खर्च कर सके। जी बोलिए, अब क्या है, ये नहीं खुल सकती बेटा। तो अल्लाह हम सब औलादों को इतना नवाजे कि हम अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकें। बहुत बार हम मजबूर हो जाते हैं, नहीं कर पाते। तो पसीना आ रहा है मुझे क्योंकि मुझे फीवर सा चढ़ रहा है, और आई एम सॉरी मैं थोड़ी इमोशनल हो गई। सो खैर ग्रॉसरी मैं पूरी नहीं दिखा रही क्योंकि फिर मेरा मानना ये है मेरा हाथ दुख रहा है। सो खैर मैं बैठ गई अभी, मैंने कहा एक थोड़ी सी बात कर दूं कि मैं पूरी ग्रॉसरी से नहीं दिखा रही। मुझे नहीं पता, मुझे कोई क्या पता ऐसा इंसान देख रहा हो देख रही हो जिसके हालात ऐसे ना हो जैसे मेरे हैं, मतलब वो ये सब चीज़ें ना खरीद सकता हो, पता नहीं घर में दाल आटा पानी खाना पीना हो रहा हो नहीं हो रहा हो, और हम ये सब दिखा देते हैं ना, तो किसी के दिल पे क्या गुजरती है वो चीज़ें देख के, सामने वाले के सामने वाले के पास खाने को है उसके पास नहीं है। तो इसलिए मैं अभी नहीं दिखा रही। सब्ज़ियाँ इसलिए दिखा दी कि थोड़ा रेट का आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए, थोड़ा मैं आपको दे दूँ आइडिया कि आप भी ऐसे कर लें भाई, जितना पैसे बचा सकते हैं बचा लें। वक्त बहुत बुरा चल रहा है पाकिस्तान का, हालात बहुत बुरे हैं लिटरली। हमारे आगे एक मतलब दो खातून थी, वो बेटी और अम्मी ही लग रही थी, लाइक माँ बेटी लग रही थी। तो उन्होंने सिर्फ चार पैकेट आटे के लिए, दो बोतल उन्होंने तेल की ली और दो चार चीज़ें और थी बस। उनका बिल 19,000 रुपये बना था, और जब उन्होंने पूछा ना कितना बिल, तो उसने जब 19,000 कहा ना, तो मैंने उनकी शक्ल देखी कि उनकी शक्ल मतलब वो शॉक्ड हो गई थी जब उन्होंने 19,000 सुना कि इन चीज़ों का। और हमारा भी कोई छोटा बिल नहीं आया, मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ, मैं अमाउंट तो नहीं बता रही, पर मैं ये बोल रही हूँ कि जहाँ हमारा 8-9 हज़ार में महीना पूरा हो जाता था और हम लग्जरी आइटम्स लेते थे, अब उससे डबल ट्रिपल में हम लग्जरी आइटम्स भी नहीं ले पाते, सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो रही है अब के पाकिस्तान में लोगों की, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास और उससे नीचे का तो पता ही नहीं। मैं आज आपको ये कह रही थी कि पता नहीं क्या लोगों के हालात हैं। तो बस यही है कि आप एक दूसरे की ना मदद भी करें, जैसे रमज़ान आ रहा है तो कोशिश करें कि जितना ख्याल रख सकें एक दूसरे का यार आप लोग, और अफ्तारी जितनी बांट सकें, और स्पेशली जो गार्ड्स बैठे होते हैं जो मजदूर होते हैं इस तरह के लोगों को दें। तो बस आज का व्लॉग बस इतना। सो मैंने सोचा वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बस ये है कि मुझे पसीने भी बहुत आ रहे, तो ये है कि बस मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब और ज़रूर करिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं, और आपकी कैसा रमज़ान की तैयारी चल रही है, क्या चल रहा है ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपसे क्या कह रही हूँ भाई, नहीं नहीं अच्छा अच्छा बार बार नहीं करो, भाई को भी शेयर कराओ, भाई से भी करो, भाई भी करेगा शेयर, अकेले अकेले चलो तो किसने चलो भाई को भी शेयर कराओ, नहीं नहीं भाई को भी शेयर कराओ, मना करने की जरूरत नहीं दादा, दादा अच्छा 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 नहीं अच्छा अच्छा नहीं शेयर कराओ, मामा मामा नींदर तो मैं करूँगा, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, फिर चीखेगा वो, ऐसे चीखता है, नो अच्छा नहीं करना है दादा, आहिल नो अच्छा नहीं, नो 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 ऐसे नहीं करते, बुरी बात होती है। इधर देखो भाई, इधर देखो आहिल आहिल अच्छा नहीं करो, इधर देखो आहिल, सुनेगा थोड़ी हो गया।